Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to talk about the chemistry of the carbanion, ठीक है? और इसके अंदर देखिए कौन-कौन से factors होते हैं जो affect करते हैं stability of carbanion, ठीक है? कई questions लेंगे जो कि exams के अंदर already gate और net के अंदर जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है? और ये सारी name reaction discuss करेंगे which are based on carbanion chemistry, ठीक है? और इसके important aspect हम discuss करेंगे जिसकी वजह से आप जो काफी questions जो exam में पूछे जा सकते हैं वो आप solve कर पाएंगे, ठीक है? कोई भी अगर आपको confusion है, write a comment, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने की, ठीक है? So without wasting any time, let's start the video. So what are basically, what are carbanions? These are nothing but a negatively charged species. These are negatively charged species. This way, okay? Jinke andar what you have is this unshared pair of electron along with three bonded electrons. Okay? And if we talk about hybridization, ki baat karein, they are sp3 hybridized and their shape is pyramidal in nature. When we studied carbocation chemistry, in it, carbocation shape is planar. However, जो सबसे important बात क्या होती है कि अगर आपका एक carbanion है जो कि stabilized है conjugation से, let us suppose if this carbanion is in conjugation with the nitro group, ठीक है, या फिर दो esteric group से, तब इसकी जो आपकी shape होती है it changes, then it becomes planar in nature, ठीक है, तब तो ये चीज आपको हमेशा बहुत ध्यान रखना, अगर आपका unconjugated anion है, अगर unconjugated carbocation है, so it will have a pyramidal shape. However, if a carbanion is conjugated, okay, then it will have a sp2 hybridization. Then it will have a planar shape. Okay? Yaad rakho, carbanion conjugation with the a functional group that can stabilize it. Jaise ki aapka nitro ho gaya, yahan pe cyano ho sakta hai, ester ho sakta hai, aldehyde ho sakta hai. या कोई भी दूसरा ग्रुप हो गया आपका, या कि आपका फिनाइल रिंग भी हो गई तो भी, लेकिन अगर यहां पर अगर आपका इंस्टेड ऑफ नाइट्रो अगर आपका CH3 है तो उस केस के अंदर इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो रहेगी आपकी पिरामिडल, क्योंकि वो CH3 ग्रुप इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा, ठीक है. व्हेनेवर यू विल फाइंड एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट दिस पोजीशन व्हिच कैन स्टेबलाइज अ नेगेटिव चार्ज, उस केस के अंदर इस कार्बेनियन की आपकी जो hybridization होगी sp2 होगी, उसकी shape planar होगी. So this is an important point about this particular slide. So how can we basically form the carbanions? Carbanions हमेशा आपने देखा होगा कि whenever we have these acidic proton हम कहते हैं कि जैसे कि आपके नीचे वाली आप देखिए, यहाँ पे देखिए, जब जैसे कि आपका क्या है कि नाइट्रो ग्रुप के बगल में आपका जो कार्बन लगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है कि इट इज विथड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कार्बन, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच वो क्या कर रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर रहा है. तो अगर मैं सिस्टम में एक बेस डालूंगा तो व्हाट दिस बेस इज गोइंग टू डू, दिस इज गोइंग टू प्लग दिस हाइड्रोजन, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इट इज गोइंग टू नॉट द हाइड्रोजन, इट इज गोइंग टू प्लग दिस प्रोटॉन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इट इज गोइंग टू जनरेट द कार्बेनियन हियर, ठीक है. हमेशा देखो कि जब भी आपके फंक्शनल ग्रुप है उसका रीजन क्या है. देखो आपका नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप के अंदर एक नाइट्रोजन है, उसके बगल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रो नाइट्रोजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, ठीक है. दोनों के दोनों क्या है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, इसका मतलब क्या है कि अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से ये इलेक्ट्रॉन पुल अपनी डायरेक्शन में करते हैं. एल्डिहाइड ग्रुप का भी सेम नेचर है. अब आपका ऑक्सीजन क्या है कि इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पुल इस डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से आपका ये कार्बन आपका वीक हो गया. सिमिलरली साइनो ग्रुप का क्या है, साइनो ग्रुप में ऑल्दो ये तो कार्बन है, लेकिन कार्बन के बगल में आपको देखना है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. सो जब भी आपका इस तरह एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, नाइट्रो, एल्डिहाइड, साइनो, एस्टर, this is going to make these protons pretty acidic. अब सवाल ये acetylene के केस के अंदर क्या, acetylene के केस में आपका क्या है कि ये प्रोटोन इसलिए एसिडिक होता है क्योंकि यहां पर आपका ये कार्बन जो क्या है, ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है. जैसे कि हम यहां पे भी देख सकते हैं कि आपकी स्टेबिलिटी वैसे वैसे बढ़ती है जैसे s करेक्टर बढ़ता है, ठीक है. आपका कार्बेनियन के केस के अंदर sp कार्बन इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर कार्बन, ठीक है. इसको अदर वे कहने का तरीका ये भी हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम सिंपल एसिटाइलीन लिख दें, एसिटाइलीन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू मीथेन. हम इसको दूसरे तरीके से अगर हमें कहना जाए तो उस तरीके से भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है.
वही आपका एक सिंपल फंडा है जो कि हमने पढ़ा हुआ है कार्बिकेटाइन केमिस्ट्री के अंदर, जो है रिवर्स है कार्बिनियन केमिस्ट्री के अंदर। वहां पे आपका क्या क्या एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं, एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटेंसिफाई करते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी घटती है। अगर हमका नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो दैट इज वाई द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बेनियन फॉलोज दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, जिसके अंदर मिथाइल कार्बेनियन इज मोस्ट स्टेबल देन द प्राइमरी, विच इन टर्न इज मोस्ट स्टेबल देन सेकेंडरी, विच इन टर्न इज मोस्ट स्टेबल देन द टर्शियरी, ठीक है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे अगर आप कार्बेनियन के साथ, जैसे कि आपका इस केस के अंदर है, ठीक है, सिंस वी हैव दिस टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इट मींस वो टू टू एस्टेरिक ग्रुप, तो आपका जो कार्बेनियन है दो आपका दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ स्टेबलाइज हो सकता है। सो नंबर ऑफ कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर हेयर एज कंपेयर टू दिस वन, दैट्स व्हाई दिस कार्बेनियन मोर स्टेबल देन दिस वन। सिमिलरली आपका ये वाला कार्बेनियन इज कम स्टेबल होगा इस वाले कार्बेनियन से। तो इस तरह का आप कंजुगेशन देख सकते हैं, जितने ज्यादा कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आपका क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। आप इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज समझ लो एक बहुत ज्यादा एनर्जी अगर एक ही तरफ पर रहेगी सेंटर्ड रहेगी, सो इट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो मोर द एनर्जी डिसेंट्रलाइज, मोर द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द बेटर इट इज in terms of stability. So that is what it is important in the case of the carbanions. Okay, so it what I mean to say here is all the electron withdrawing groups they tend to stabilize the carbanions. Okay. अब आपका इस स्लाइड के अंदर ये कह रहा है कि अगर आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप है, लेट अस सपोज कि आपका इस तरह एक कार्बेनियन ये है, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगे हैं आपके नाइट्रोजन, कार्बोनिल, साइनो, यू नो एस, आपका सल्फोनाइल ग्रुप, ओके, और आपका सल्फोन ग्रुप, अगर आपके ये एक फंक्शनल ग्रुप लगे, दिस इज फार मोर स्टेबल देन इवन ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनियन। उसका रीजन ये है, हमको पता है ये हेट्रो एटम जो भी होते हैं ना, हेट्रो एटम लाइक आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दे आर एबल टू you know disperse this negative charge far far better than the carbons, okay, carbon atom, क्योंकि इनकी क्या है ये more electronegative है, their ability to disperse it is far better as compared to these ones. So just keep this particular thing in mind that such carbenes are more stable than even triphenyl methyl, क्योंकि इस केस में आपका क्या है कि दोनों के दोनों inductive effect और resonating effect ये दोनों के दोनों इसके अंदर operative होते हैं, ठीक है, जस्ट कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। और ये है आपका एक ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेप का मतलब, यू नो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप कितना ज्यादा स्टेबलाइज करना है। तो सबसे ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी होती है आपकी नाइट्रो की, विच इन टर्न इज फॉलोड बाय कीटोन, एंड उसके बाद आपका क्या साइनो और एस्टर की ऑलमोस्ट सेम होती है, फिर आपका क्या सल्फोनाइल ग्रुप होता है, फिर सल्फोन, फिर आपके फिनाइल, फिर थायोल और फिर हाइड्रोजन, उसके बाद सबसे लीस्ट स्टेबल आपके एल्काइल ग्रुप है। इनफैक्ट एल्काइल कैन बी रिगार्डेड एज अ डीस्टेबलाइजिंग फंक्शनल ग्रुप, जो कि डीस्टेबलाइज करते हैं कार्बेनियन को। उसके अलावा आपके क्या है कि जैसे कि यू नो आपके फंक्शनल ग्रुप लाइक हेलोजन्स, ओ एच, एन एच और ओ आर, ये क्या करते हैं, इनमें ऑक्सीजन के जो अदर माइनस आई इफेक्ट ऑफ दीज हेट्रो एटम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे कैन स्टेबलाइज। अब हमने ये वाला एरोमेटिसिटी के अंदर तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई हुआ था, ये वाला स्टेबिलिटर एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, व्हिच इन टर्न इज मोर स्टेबल देन द एंटी एरोमेटिक। हमने ये भी पढ़ा था अगर मॉलिक्यूल के पास चांस है टू बिकम नॉन एरोमेटिक फ्रॉम एंटी एरोमेटिक, इट डज सो, जैसे कि साइक्लो ऑक्टा टेट्रासीन का एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑल्दो हॉकल रूल के अकॉर्डिंग शुड बी एंटी एरोमेटिक, बट व्हाट इट इट प्रेफर्स टू अडॉप्ट द टब कंफर्मेशन टू बिकम नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल इज परफेक्टली डिपिक्टेड हियर, जिसके अंदर आपका दिस इज मोर स्टेबल, साइक्लोपेंटा डाइनाइल कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, विच इन टर्न इज मोर स्टेबल देन दिस, एंड दिस एंटी एरोमेटिक इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है, हकल रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है आपका डीलोकलाइज हो रहा है पूरे के ऊपर। तो जनरल ऑर्डर अगर हम देखा जाए तो जनरल ऑर्डर क्या होता है कि अगर आपका कोई भी एरोमेटिक कार्बेनियन है, दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन द बेंजाइलिक कार्बेनियन, विच इन टर्न इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन द एलाइलिक, फॉलोड बाय एसिटाइलिनिक, एंड देन आपका ये क्या आपका विनाइल, और उसके बाद आपका हो गया मिथाइल, एंड देन एल्काइल, एंड देन आई मीन सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। So this is going to be the general order of stability in case of the carbanions. अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज जो की है कि अब तक ये तो हमने पढ़ दिया, अगर हमने हैलाइड केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि जब भी आपका कार्बेनियन इज अटैच्ड टू यू नो सल्फर और फॉस्फोरस,
इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द कार्बेनियन स्टेबिलिटी. उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि ये आपके सल्फर और फॉस्फोरस होते हैं, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है. अब आपके कार्बेनियन का नेगेटिव चार्ज कैन यू नो अंडरगो, इट कैन अंडरगो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के दोनों ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये उन ऑर्बिटल्स के अंदर अपने आप को एकोमोडेट कर देते हैं, ठीक है. जिसकी वजह से दे एक्वायर दैट स्टेबिलिटी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये समझने वाली है कि व्हाट आर बेसिकली इलाइड, ये इलाइड वर्ड आया कहां से, ठीक है. इलाइड वर्ड उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं, जैसे यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है, जिनके अंदर दोनों के दोनों एटम, जैसे कि यहाँ पे कार्बन और फास्फोरस दोनों के दोनों अपोजिट एटम है और दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, और अगर हम देखें दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है. सिमिलरली इसका ऑक्टेट देखिए, जैसे कि दो दो चार दो छह और दो आठ, यहां पर भी फास्फोरस के पास भी आठ है, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है और दोनों के पास ऊपर क्या है कि अपोजिट चार्जेस हैं. सिमिलरली इस केस में भी अंदर भी क्या, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और सल्फर का भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, और दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है. तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर आपके क्या है कि अपोजिट एटम्स के ऊपर, आपके दोनों के दोनों एडजेसेंट, नॉट द अपोजिट, एडजेसेंट एटम्स के ऊपर अपोजिट चार्जेस हो, ठीक है, और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो, सच स्पीशीज आर कॉल्ड दी इलाइड्स. और इलाइड्स में क्या है कि दे आर मोर स्टेबल, बिकॉज हमने क्या पढ़ा, बिकॉज दे अंडरगो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग. मतलब ये आपके जो फुल्ड आपके जो यहाँ के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन, दे कैन बी एकोमोडेटेड इन टू दी एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस फॉस्फोरस और दी सल्फर, ठीक है. अब हम देख लेते हैं फ्यू ऑफ द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल हमको पूछा गया है कि यहाँ पे द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन एक्वस मीडिया. अब आपको पूछा ये दिया गया है, आपको फिनॉल दे दिया एसीटोन, आपको ये एसिड है और आपका इथेनॉल है. आंखें बंद करके आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एसिड की हमको पता है कि एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो फ्लोरो अटैच है, जिसकी वजह से देखिए यहां पर क्या है, फ्लोरो अटैच है, तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिसकी वजह से ओएच बॉन्ड बहुत वीक हो रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, ठीक है. उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका क्या है कि फिनॉल, फिनॉल के केस के अंदर क्या है कि फिनोक्साइड हमें पता है मोस्ट स्टेबल है, और इसी तरह से आपका क्या है कि उसके बाद आएगा आपका कीटोन, ठीक है. और सबसे लीस्ट आपका क्या होगा, आपका ये वाला होगा जिसके अंदर इनफैक्ट सी एच सी ओ माइनस इज गोइंग टू बी मोस्ट डी स्टेबल है, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इसका है डी. इसी तरह से द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विद सोडामाइड. अब क्या कर रहे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, ठीक है. एक्स का रिएक्शन हुआ और वाई का रिएक्शन किया सोडामाइड के साथ, ठीक है, और करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है. लेट अस सपोज दोनों का रिएक्शन करके देखते हैं. एक्स का रिएक्शन किया तो हमको क्या मिला, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनियन, और इसका हमने रिएक्शन किया तो हमको क्या मिला, ये वाला कार्बेनियन मिला, ठीक है. अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखें, अगर क्योंकि ये वाला प्रोटोन आपका एसिडिक है, तो दिस इज साइक्लिक, दिस इज कॉन्जुगेटेड, लेकिन यहां पर आपका क्या है कि 2 + 2 = 4, दिस इज एंटी एरोमेटिक, और हमको पता चाहे कुछ भी हो जाए एंटी एरोमेटिक का नॉट स्टेबल एट ऑल, सो दिस रिएक्शन विल नॉट इवन टेक प्लेस, ठीक है. अब देखते हैं क्या लिखा है. इसमें कहा गया है कि एस रिएक्ट फास्टर देन वाई, ठीक है. ऑब्वियसली एक्स वाई से ज्यादा फास्टर रिएक्ट करेगा, क्योंकि दिस इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ठीक है, इस रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, जबकि दिस इज हाईली डिस्टेबलाइज. सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट, वाई रिएक्ट फास्टर देन एक्स, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बोथ बिहेव एज लुइस एसिड, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है. एक्स इज स्ट्रॉन्गर ब्रॉन्स्टेड एसिड देन वाई, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब ये है कि क्या ये डज दिस हैज दिस गॉट द एबिलिटी टू यू नो गिव अप दिस प्रोटोन, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज इन रिटर्न उसको क्या मिल रहा है, उसको रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन मिल रहा है. जब ये प्रोटोन यहां से डीप्रोटोनेट हो रहा है, जब ये प्रोटोन यहां से निकल रहा है, एंड द नेगेटिव चार्ज दैट इज गेटिंग फॉर्मड हियर, इट इज गेटिंग स्टेबिलाइज बाय 3-फिनाइल ग्रुप. सो ऑफ कोर्स दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज 2. सो दिस वॉज आस्क्ड इन जून 2016 नेट में. उसके अलावा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यूज ऑफ फॉर दीज कंपाउंड, दिस वॉज अगेन आस्क्ड इन जून 2016. दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री ऑफ कार्बेनियंस. सिंपल फैक्टर, अगर अगर तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स को देखें, हम क्लियरली पता लगा सकते हैं, यहां से जब भी हाइड्रोजन निकलेगा और नेगेटिव चार्ज यहां फॉर्म होगा, दिस विल नॉट ओनली बी एरोमेटिक, एरोमेटिक तो है ही है, उसके अलावा साइनो ग्रुप लगे हुए जो कि क्या बना देते हैं, इसको हाईली एसिडिक बना रहे हैं. लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़ो, दे हैव टॉक्ड अबाउट द पीके वैल्यू. पीके वैल्यू का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा लोअर पीके वैल्यू होगी उतना ज्यादा मोर एसिडिक कंपाउंड होगा, ठीक है. सो सबसे कम पी की वैल्यू हमें क्या पता है, वाई की होगी, ठीक है.
उसके बाद हम देख लेते हैं कि जब यहाँ पे ये आपका ये वाला आपका प्रोटॉन निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, ये प्रोटॉन निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन में से दोनों के अंदर से कौन ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा आपको, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? एक्स ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमको पता है कि जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फॉलोड बाय एक्स, फॉलोड बाय वाई। ठीक है, पूरा का पूरा नीचे एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज 3। उसके अलावा ये वाला भी एक सवाल है जो कि दिसंबर 2016 में पूछा गया था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी अगेन वही सवाल है आपको, बिल्कुल बहुत सिंपल सा सवाल है। इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों के दोनों आपके साइक्लिक हैं, दिस वन इज असाइक्लिक इन नेचर, सो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन। बट अगर आपने केमिस्ट्री थोड़े अच्छे से फॉलो की हुई है देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड इट इज दी यू नो फाइव मेंबर डाइकीटोज आर मोर एसिडिक देन दी सिक्स मेंबर, ठीक है, इससे ज्यादा। तो आपको और सी तो आपका सबसे ज्यादा कम आपका एसिडिक हो गई होगा, सो दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर हियर इन दिस केस इज सी। उसके बाद अब हम एक नेम रिएक्शन की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं मैनिच रिएक्शन की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैनिच रिएक्शन का क्या है कि व्हेनेवर यू वांट टू मेक एन एक्सोसाइक्लिक, ठीक है, एक्सोसाइक्लिक अगर आपको डबल बॉन्ड बनाना है नेक्स्ट टू अ कीटोन, लेट अस सपोज ये कीटोन है और मुझे इस पोजीशन पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाना है, देन मैनिच रिएक्शन इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे इफ दैट इज द केस देन व्हाई कांट वी जस्ट टेक एन कीटोन, ठीक है, और हम उसके अंदर NaOH डाल देते हैं और उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड डाल देते हैं। ठीक है, सिंपली हमारा क्या होगा, एडॉल कंडेंसेशन होगा और हमारे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, दैट शुड बी द इजी वे फॉरवर्ड। लेकिन आपका क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आपका मैक्सिमम केसेस में क्या मिलता है, पॉलीमरिक गम और आपका इनॉल जैसे बनता है वो एक बारी से ज्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो एक तरह से इसकी रिएक्टिविटी को मास्क करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन फॉर्म दिस इमीन सॉल्ट। ठीक है, इमीन सॉल्ट, इसको हम शेमोजर सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू वी डू इज बेसिकली इसको हम फॉर्मल्डिहाइड को वी ट्रीटेड विद डाइमिथाइल एमीन। ठीक है, डाइमिथाइल एमीन से ट्रीट करेंगे, सो व्हाट डू यू एंड अप गेटिंग इज दिस इमीन सॉल्ट। अब जब आप अगर इसको इमीन सॉल्ट को अगर आप ट्रीट करेंगे किसी भी आप साइक्लिक कीटोन के साथ या कीटोन के साथ इन जनरल, सो ketones are always in equilibration in with this enol form and it will come back, it will attack, so this is what you will end up forming at this particular reaction ko hum pura ka pura kya kehte hain, amino methylation, theek hai, kyunki hum isme kya kar rahe hain aapka amino methylation hi hum kar rahe hain, theek hai, so this is the amino group and this is the methyl group, so this is what we are adding at this particular position, that is why this is called amino methylation reaction and this particular compound is also called as Mannich base। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसमें वो कर देना चाहता हूं आपको, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट Mannich रिएक्शन, Mannich रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसीलिए है, व्हेनेवर यू वांट टू फॉर्म एन एक्सोसाइक्लिक मिथिलीन ग्रुप, ठीक है, हमेशा गोइंग वाया Mannich रिएक्शन इज द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि वहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप फॉर्मल्डिहाइड की हाईली रिएक्टिविटी जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है उसकी एक्टिविटी आप रिड्यूस कर रहे हैं बाय फॉर्मिंग दिस इमीन आयन, जिसको मैनिच रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, आपने इससे ये इमीन बना लिया, ठीक है, इमीन बना लिया, तब आपने क्या किया, उसे रिएक्शन के अंदर आपने यूज किया कीटोन के साथ, तो आपका जब ये आके इस पर रिएक्ट करेगा, सो दिस इज द ओनली सब्सटेंस दैट यू आर गोइंग टू फॉर्म। अब इन सीटू अगर आप सोडियम कार्बोनेट डालेंगे इसके अंदर, सो दिस इज द मैनिच बेस दैट यू आर गोइंग टू गेट। अगर आप इस मैनिच बेस को एलिमिनेट करके आप इसमें डिजायर्ड एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर आप यहां पर देखिए, आपका यहाँ TMS ईथर है, ठीक है, TMS ईथर हम यूजली बना के हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अब जब TMS ईथर वापस आता है, देन इट अटैक्स, जैसे कि ये यहाँ पर ऐसे आया एंड इट अटैक्स दिस वन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस मैनिच बेस। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर फर्दर अगर मुझे मैं क्या करूं, इसका मिथाइलेशन करूं, ठीक है, तो मैं यहां पर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड ला सकता हूं, मिथाइलेशन करूं और बहुत वीक सोडियम बाइकार्बोनेट से भी ट्रीट करूं, सो व्हाट विल एंड अप गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जो हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि यहां पर मैंने वही बोला, सो वंस यू हैव दिस एमिनो मिथाइलेशन फॉर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मैनिच बेस, सो व्हाट डू यू डू इज द मिथाइलेशन, मिथाइलेशन के बाद आपने क्या किया, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बना दिया। आपने जब क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बना दिया तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की जरूरत है ही नहीं, सो व्हाट यू नीड इज अ वेरी वेरी वीक बेस विच इज अ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको क्या करता है, आप सोचेंगे कि ये O- कैसे फॉर्म हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट व्हाट इट डज,
देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे क्या था, इनॉल बनेगा, इनॉल का वो हाइड्रोजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, सो व्हेन दिस नेगेटिव चार्ज कम्स बैक दिस इज हाउ द एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, सो दिस इज कॉल्ड द बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन के बाद सो व्हाट डू यू एंड अप गेटिंग इज द एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड. सो मैनिच रिएक्शन इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फॉर्म दिस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, आपने एलडीए के साथ ट्रीट किया, एलडीए के साथ ट्रीट करके आपने इस लेक्टोन का आपने इनॉल बना दिया. अब इनॉल बनाने का जब आपने मैनिच रिएजेंट डाला तो हमको पता है जब ये वापस आएगा ये इस पे अटैक करेगा. ठीक है, और उसके बाद आपने वर्कअप किया, फिर से मिथाइल आयोडाइड किया, जब मिथाइल आयोडाइड डाला तो इसका मतलब आपने क्या किया, इसका क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बनाया. उसके बाद आपने क्या यूज किया, इसमें डीबीयू यूज किया. डीबीयू का रोल कुछ नहीं है, बट डीबीयू का रोल वही है टू एक्ट एज अ बेस एंड कैरी आउट द बीटा एलिमिनेशन टू गेट दिस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर एसिमेट्रिक वेरिएशन ऑफ मैनिच रिएक्शन एज वेल, वेर यू टेक ketones, aldehyde and amines and in situ what you can form is then alpha beta amino ketones, so with very very good enantio selectivity. ठीक है, अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी बात माइकल एडिशन रिएक्शन की. हमको पता है कि माइकल एडिशन रिएक्शन क्या है, कि नथिंग बट अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अ कार्बेनियन, मतलब आपका क्या कहते हैं, कार्बेन का ऐड करते हैं आप टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्फा बीटा सैचुरेटेड कीटोन हो गए, आपके एल्डिहाइड हो गए, नाइट्राइल हो गए, नाइट्रो हो गए, सल्फोनाइल हो गए. ठीक है, और यूजली क्या होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना वो होते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स लाइक एस थायोल साइनो प्राइमिनो सेकेंडरी अमीन्स और इनोलेट्स, एंड दीज रिएक्शन आर रिवर्सेबल इन नेचर. सो व्हाट आर बेसिकली हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते क्या है ये देख लेते हैं हम. हार्ड न्यूक्लियोफाइल आर नथिंग बट उस तरह के मतलब न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके लोन पेयर बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड होते हैं. ठीक है, मतलब आप जब भी हम बात करेंगे ना हाइड्रोक्साइड फ्लोराइड एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स की, दीज आर वेरी वेरी हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स, इनका चार्ज बहुत लोकलाइज होता है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, वेयर एज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं कि इनके डीलोकलाइज होते हैं क्योंकि या तो इनके ऑर्बिटल बड़े होते हैं, हमको पता है कि ऑक्सीजन से अगर कंपेयर करें सल्फर इज मच बिगर इन साइज, सो इट इज एबल टू डिफ्यूज दिस नेगेटिव चार्ज फार फार बेटर देन दी ऑक्सीजन. और साइनो के अंदर क्या है कि आपका नाइट्रोजन है कार्बन के बगल में, सो दिस कैन स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज बेटर. और प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन से अटैक होता है, और यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज स्टेबलाइज बाय दीज टू कार्बोनिल, सो दैट इज वाई ऑल दीज न्यूक्लियोफाइल्स आर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है, जैसे कि माइकल एडिशन के केस के अंदर जो कार्बोनिल, ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, दिस इज अ हार्डर साइट, वेयर एज दिस बीटा पोजिशन दिस इज अ सॉफ्टर इलेक्ट्रोफाइल. समझ आया? ठीक है, अटैक यहीं पर ही होता है माइकल, और जो कि जिनके ऊपर अटैक होता है उनको हम कहते हैं माइकल एक्सेप्टर, जो अटैक करते हैं उन्हें हम कहते हैं माइकल डोनर. यहां पर आप क्या कर सकते, ये सारी की सारी पोजिशन वो है जहां पर आप एसिडिक प्रोटोन, आप जहां जो कि एसिडिक प्रोटोन है आप कार्बेनियन यहां जनरेट कर सकते हैं इजिली, क्योंकि यहां जब कार्बन जनरेट होगा ये इन दोनों के दोनों कार्बोनिल से स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से दिस बिकम्स अ वेरी वेरी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, और हमने देखा ये क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ ऑल दीज कॉन्जुगेटेड यू नो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स, सारे के सारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स का ये जो बीटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये क्या है, दिस इज अ सॉफ्ट यू नो इलेक्ट्रोफाइल. तो दिस इज व्हाट यू डू, यू जनरेट अ कार्बेनियन, यू अटैक इन अल्फा बीटा कॉन्जुगेट मैनर. यहां पर आपका क्या हुआ, ट्रांस एडिशन, ऑब्वियसली वन टू सब्स्टिट्यूट में ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा. अब आप इनामीन है, अब आपने यहाँ पे क्या बना, इनामीन बनाया, इनामीन का नाइट्रोजन यहाँ है वापस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना, दिस इज व्हाट यू एंड अप गेटिंग. उसके अलावा देर आर रिएक्शन इन विच यू कैन कैरी आउट द एसिड कैटलाइज माइकल एडिशन एज वेल. यहां पर आपका क्या हो रहा है कि यहां पर आपका अंडर एसिडिक कंडीशन What is happening? There is a formation of an enol in situ. In situ, यहाँ enol बन रहा है और जब वो वापस आ रहा है, this carbon is attacking it in an alpha beta fashion to give you the desired product. Apart from that, there are examples of intramolecular Michael addition. जैसे कि ये example काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा important example भी है exam point of view से. तो यहाँ पे अगर हम देखें, this is nothing but a beta कार्बन. अब लेकिन अगर आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ठीक है, तो ये वाला जो अटैक है यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा. ठीक है, ये वाला अटैक अगर यहाँ पर होगा तो बट सबसे पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर भी आपका 6 मेंबर बन सकता है. ठीक है, लेकिन अगर ये कार्बन इधर की तरफ अटैक करेगा मे बी ये वाले जो कार्बन की जो क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज नॉट मैचिंग
with the electrophilicity of this particular carbon. ठीक है, so under the desired condition, ठीक है, there is a preferential attack of this carbanion on to the alpha beta position to give you this particular product. ठीक है, उसके अलावा ये वाला जो example है बहुत important है. ये वाला example आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है इसकी. सो व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली इज टेकिंग दिस सब्सट्रेट. सो दिस इज एन इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन वेयर यू आर टेकिंग सोडियम हाइड्राइड. सो यू हैव दिस कार्बोनिल एंड यू हैव दिस सल्फोन ग्रुप. ठीक है, तो आप यहाँ कार्बेनियन जनरेट कर रहे हैं और आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पोजीशन में ऐड कर रहे हैं. ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इंट्रामोलिकुलर केस में जब एडिशन होगा तो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट्स से आएंगे दोनों के दोनों क्या होंगे, ट्रांस टू ईच अदर होंगे. ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप ये वाला फंक्शन ग्रुप आप रिमूव कर रहे हैं यूजिंग एनए Hg. ठीक है, इस कंडीशन के अंदर ना आप इसको क्लीव कर सकते हैं. इसका जो मैकेनिज्म है ये मैंने जूली ओलिफिनेशन वाले वीडियो के अंदर बनाया हुआ है कि किस तरह से रेडिकल मैकेनिज्म के वाया आप ये सल्फोनाइल ग्रुप रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, और इस केस के अंदर जो आपकी डाइस्टीरियो सिलेक्टिविटी मिल रही है वो मिल रही है 4:1. ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड. ठीक है, और यहां पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री डायरेक्ट हो रही है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री डायरेक्ट हो रही है, ये वाला जो आपका कायरल, आप यू नो कायरल अमीन लेके चल रहे हैं, इसकी वजह से आपकी ये स्टीरियोकेमिस्ट्री डायरेक्ट हो रही है यहाँ पे. ठीक है, वो रीजन है. उसके अलावा आप आपका साइक्लिक कीटोन है, सबसे पहले आपने क्या किया, गिलमान रिएजेंट से ट्रीट किया आपने, ग्लिडरन या मिथाइल का यहाँ पे अटैक हुआ, ये इधर आया, ये ऐसे हुआ. सो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेट दैट यू फॉर्म, राइट. उसके बाद जब आपका नेगेटिव चार्ज वापस आया और ये वाले कार्बन ने इसके ऊपर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में अटैक किया, सो दिस इज द काइंड ऑफ यू नो स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन द मिथाइल ग्रुप और इन दोनों के बीच. तो ये वाला जो मिथाइल ऑर्गेनोलिथियम का है और ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है, इन दोनों के बीच में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी हमेशा याद रखना ट्रांस ही होगी, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, ये वाला मिथाइल और ये फंक्शन ग्रुप बोथ आर ट्रांस टू ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट आउटकम. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. अब उसके बाद हम देख लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, विच इज नथिंग बट अ रॉबिन्सन एनुलेशन. ठीक है, रॉबिन्सन एनुलेशन इज नथिंग बट इट इज माइकल एडिशन फॉलोड बाय एडोल कंडेंसेशन टू गिव यू दी एनुलिन्स. ठीक है, हमेशा याद रखो एनुलेशन का मतलब यही होता है, व्हेन एवर यू फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड्स आर यूजुअली कॉल्ड द एनुलिन्स. ओके, सो इसको करने का बड़ा एक अच्छा तरीका है कि व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिस्कनेक्ट दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड इंट्रोड्यूस अ कार्बोनिल एंड यू कैन जस्ट ब्रेक दिस बॉन्ड फ्रॉम हियर एंड इंट्रोड्यूस अ डबल बॉन्ड हियर. सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड. ठीक है, आप यहां से इसको वो करें, ठीक है, यहां से आप क्लीव करें और यहां से आप क्लीव करें, यहां डबल बॉन्ड ले और यहां कार्बोनिल ले, सो यू विल अंडरस्टैंड बोथ द कपलिंग पार्टनर. ठीक है, सो इसके अंदर आपका क्या हो रहा है कि आपने व्हाट यू आर स्टार्टिंग विद इज अ साइक्लोहेक्सिनोन. ठीक है, और मिथाइल विनाइल कीटोन, और आपने क्या किया, माइकल एडिशन कंडीशन में किया, इथेनॉल में किया. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ जनरेशन ऑफ कार्बेनियन एट दिस पोजीशन व्हिच इज undergoing a conjugate addition, which is what we call a Michael addition, and in the next step there is a generation of a carbanion here, okay, which is attacking to give you the irreversible Robinson annulation product. अब सवाल ये है कि कार्बेनियन यहाँ पे भी जनरेट हो सकता है, वो इसको भी अटैक कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो काइंड ऑफ कंपाउंड दैट यू विल गेट इज दिस ब्रिज्ड काइंड ऑफ एल्कोहल विच कैन नॉट गिव यू अंडरगो you know elimination to give you this strained compound. So ye reaction ho hi nahi sakta, that is why ye aapka product does not form. Aur jaise ki maine bola ki ye adol condensation hame pata reversible in nature hai, so this might be happening, but this again comes back to the starting material to give you the desired eliminated product which is irreversible in nature. theek hai, just keep that thing in mind. uske alawa aapka robinson annulation ka ek ye bahut zyada important aur acha example hai, जहां पर आप क्या कर रहे हैं कि यू हैव द कीटोन एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बेनियन हेयर एंड हेयर. ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि रॉबिन्सन एलिमिनेशन के अंदर व्हाट वी आर यूजिंग इज अ बेस एज KOH एंड इथेनॉल. सो इस कंडीशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप जनरेट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इनोलेट. ठीक है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, कार्बेनियन जो जनरेट यहां होगा या यहां, ऑब्वियसली यहां वाला, बिकॉज दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एज वेल. तो यहां पर जब कार्बेनियन जनरेट होगा वो कॉन्जुगेट मैनर में अटैक करके आपको this will be give you the desired annulated product. So just keep that particular thing in mind. उसके अलावा आप यहाँ पर आप क्या use कर रहे हैं, using the esploline, what you are forming is this particular you know intermediate in the reaction. आप क्या बना रहे हैं, आप ये inamine बना रहे हैं. So the reaction between this ketone and this proline is giving you the this particular inamine. और जब ये inamine attack कर रहा है, so there is an attack from what particular phase preferentially to give you this
methyl and OH having the RR stereochemistry, and this undergoes even CB elimination, jo ki maine ek video banaya hua hai ki even CB elimination ke kaun kaun se example wahan pe aap check kar sakte hain to give you the desired annulated product. Okay, so this is a very very good example. Apart from that, if we look at this particular cyclic ketone, we can clearly see that generally is case ke andar ab aapka kya hai ki there is a possibility that there can be a carbonyl formation here or here as well, jabki hum hamesha yaad rakhna yahan par sodium ethoxide and ethanol le rahe hain, so under those condition you will always form the thermodynamically stable enolate, jabki matlab yahan se aapka wo carbonion removal hoga, so aapka carbonion yahan bana the conjugate manner mein attack kiya, so this is what you will form. Uske alawa there is an first of all there is a Michael addition followed by adol condensation aur uske baad aapka dehydration to give you the desired product. So this is a very very important example with a very high probability of being asked in the exam, so ye example dhyan mein rakhna. Ab agar maan lo ki ye to humne baat kar li ki annulation jab aapko humne kya bola tha maine stabilized condition ke andar it will always go to the more stabilized, you will get the thermodynamically stable enolate. Let us suppose agar mujhko less stable carbon pe karna to what can I do, so then you have to proceed by the enamine chemistry. So what you can do, you can take the ketone and form the enamine. Enamine humko pata hai hamesha less substituted side pe bante hain, theek hai. So once you have this enamine, then you can treat it with methyl vinyl ketone and subject it to the Robinson annulation to give you the less substituted product. Aur uske alawa what you can do, you can also take advantage of an activated group. Let us suppose ki jaise ki in dono particular carbon mein se jyada less substituted aapka ye wala carbon hai, suppose aapko is taraf annulation karna, so what you can do, you can introduce an activating group. Jaise ki aap kya kar rahe hain yahan pe, diethyl carbonate se aapne treat karke yahan esteric group laga diya, uske baad aapne kya kiya methyl vinyl ketone aur aapne Robinson annulation karke is side pe kar diya rather than more substituted side jo ki ye hai, theek hai, ये आपने कर लिया. इसके अलावा यू कैन गो बाय द एलडीए केमिस्ट्री, जब आप जिसमें आप क्या कर सकते हैं, हमको पता है एलडीए के केस के अंदर व्हाट यू जनरेट इज अ लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट जो कि आपके यहां है, एक बार इनोलेट जनरेट हुआ देन यू कैन कैरी आउट योर डिजायर्ड रॉबिन्सन एनुलेशन केमिस्ट्री ऑन द लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड. सो दिस इज एन अप्रोच जिसमें आप मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट यू वॉन्ट यू कैन चूज द केमिस्ट्री. So let us suppose this was one of the questions that was asked in December 2017, which is based on the carbanionic chemistry. This is an interesting example. यहाँ पर आपका क्या है कि ये particular diketone है और आपको QH methanol दिया है. हमको पता है इसमें thermodynamic stable enolate ही generate होगा. Let us suppose there are three type of acidic proton A, B and C. A अगर आपका generate हुआ, so this is the enolate that will generate. अगर ये O negative वापस आया attack किया, it will give 8 membered. अगर आपका B आपका abstract हुआ proton, यहाँ से आपका proton abstract हुआ अगर आपका, ठीक है. Oh, just a second. मैंने शायद ये गलत लिख दिया, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया मैंने. तो आपका क्या है कि अगर आपका C जनरेट हुआ, यहाँ पर B नहीं होना चाहिए था, C होना चाहिए था. C आपका जनरेट हुआ तो C भी आपका जनरेट होने के बाद अटैक किया तो 8 मेंबर्ड. लेकिन आपका जब ये B जनरेट होगा, ठीक है, ये आपका B है, मेक श्योर तुम्हारे ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है, ये B जब जनरेट होगा और वापस आके अटैक करेगा, इट विल गिव यू 6 मेंबर्ड प्रोडक्ट. सो द डिजायर्ड प्रोडक्ट इन दिस केस इज गोइंग टू बी आंसर product this one, and the correct answer is answer 3. Bahut simple reaction question tha. Ab hum baat karte hain benzil-benzillic rearrangement ke bare mein, theek hai. This is one of the most important reactions, in fact ek aisa reaction hai in which the diketo compound, whenever we treat the diketo compounds with the base, what do we end up getting is a formation of alpha hydroxy acid, theek hai. Agar hum base, agar hum hydroxide use kar rahe hain to acid milega, अगर हम आपको यहाँ पे एल्कोक्साइड यूज कर रहे हैं तो एस्टर मिलेगा, अगर हम एमाइड भी यूज कर, अगर हम एमाइड बेसिस यूज कर सकते हैं तो हमको एमाइड मिलेगा इसकी जगह, ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ बेस दैट वी यूज इन द रिएक्शन वी गेट द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड एस्टर और द एमाइड, ओके. अगर मैकेनिज्म लेके, मैकेनिज्म रिएक्शन का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सो यू हैव अ डायरेक्ट अटैक ऑफ अ बेस, सो वंस यू फॉर्म दिस पर्टिकुलर स्पीशीज, सो अगेन दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. सो व्हेन द ओ माइनस कम्स बैक देन देयर इज अ फिनाइल ग्रुप दैट माइग्रेट्स टू फॉर्म such species where the O minus it abstracts the proton from hydrogen to give rise to this particular carboxylate anion which abstracts the proton from the water or whatever media that you are solvent you are taking, ठीक है. और ये आपका जो reaction है, this is a second order follow करता है आपका, ठीक है. So it means the rate of the reaction depends upon both starting material as well as the base that you are using, ठीक है.
अब इसके अंदर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें, लेट अस सपोज अगर दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आप किसका ज्यादा होगा, ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उसी का ज्यादा होगा जिस जो वाले फिनाइल ग्रुप आपका क्या होगा, जो वाला फिनाइल ग्रुप आपका क्या होगा लेस, जिसके जो क्या कहते हैं जो 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 वाले लेट अस सपोज दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लोअर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी यूजली माइग्रेट्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, जो वाला कार्बोनिल आपका ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसके बगल वाला फंक्शनल ग्रुप ही आपका माइग्रेट होगा, ये कैसे पता लगाएंगे हम आगे देखते हैं। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पर आपका ये वाला एक फिनाइल ग्रुप है और ये वाला फिनाइल, हमको पता है कि ओ माइनस जो है ये ओ मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, जब भी ये ओ एम ई ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होगा तो मतलब ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब अगर हम इस कार्बन कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी से देखें और इस कार्बोनिल की कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी से देखें तो आपका दिस कार्बोनिल इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू दिस कार्बन, सो द अटैक इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस एट दिस कार्बोनिल कार्बन, और अगर अटैक इस पे होगा तो फिनाइल ग्रुप माइग्रेट ये वाला ही होगा, ये वाला माइग्रेट होगा ही नहीं, सो दैट इज व्हाई यू गेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यहां पर ऊपर से नीचे मैंने पूरी की पूरी यही इंफॉर्मेशन दी हुई है, यू कैन रीड दिस एंटायर थिंग, तो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैव मेंशनड हियर, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी मैंने आपका यही मेंशन किया हुआ है कि व्हाट हैपेंस, सो द मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर ये अटैक होगा अगर आपका ये दोनों के दोनों है, और इट इज दिस प्रोडक्शन ग्रुप दैट इज गोइंग टू माइग्रेट, ठीक है। उसके अलावा यू हैव दिस इंट्रामोलिकुलर यू नो साइक्लिक 1-2 डाइकीटोन जो कि रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट देते हैं बेंजिलिक बेंजिलिक रीअरेंजमेंट में, ठीक है, सिंपल रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फेवरस्की रीअरेंजमेंट के बारे में, ठीक है, फेवरस्की रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में, ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट आर दिस दिस रिएक्शन इज ऑल अबाउट, ठीक है, सो व्हेनेवर वी ट्रीट अल्फा हैलोकीटोन्स विद द बेस, ओके, सो व्हाट दे डू दे फॉर्म इनोलेट एंड दीज इनोलेट्स देन रीअरेंज टू गिव यू नो एसिड और एस्टर और द रिएक्शन गोज वाया दिस साइक्लोप्रोपेन ऑन इंटरमीडिएट, ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि जैसे कि हमारा क्या है कि दिस इज नथिंग बट अल्फा हैलोकीटोन, अब हमने क्या किया इसने बेस डाला मिथॉक्साइड, ठीक है, मिथॉक्साइड बेस डाला तो उसने क्या किया प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया एंड दिस इज द इनोलेट दैट यू फॉर्म, ओ नेगेटिव वापस आया यहां अटैक किया, सो व्हाट डू यू फॉर्म इज साइक्लोप्रोपेनोन्स, ठीक है, अब आपका क्या है कि साइक्लोप्रोपेनोन्स क्या है उसके अलावा आप क्या करेंगे जैसे कि अगर आपका यहां पर क्या दिखाया हुआ है साइक्लोप्रोपेन, अगर आपका क्या है कि जब मिथॉक ओ आपका ओ ओ मिथॉक्साइड मिथॉक्साइड बेस जब आपका साइक्लोहेक्सीन को अटैक करेगा सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है, सो इट डज नॉट मैटर वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अल्फा हैलोकीटोन और दिस अल्फा हैलोकीटोन, ठीक है, दोनों के केस के अंदर आपका इंटरमीडिएट आपका सेम साइक्लोप्रोपेनॉन बनेगा, ठीक है, आपने इस वाले से स्टार्ट किया ऐसे एब्स्ट्रैक्ट हुआ सेम साइक्लोप्रोपेनोन, इस वाले से स्टार्ट किया सेम साइक्लोप्रोपेनोन, इसके ऊपर जब ओम एमी का अटैक होगा सो इट इज गोइंग टू गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब मेरा सवाल सबसे बड़ा आपसे ये है कि हमको पता है कि आपने ओम इथॉक्साइड आपने बेस यूज किया, ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये वाला प्रोटोन ज्यादा एसिडिक है ये वाला प्रोटोन एसिडिक है, ऑफकोर्स ये वाला प्रोटोन के बगल में आपका क्या है कि क्लोरो है, ठीक है, इस प्रोटोन क्लोरो के बगल में क्लोरो है और कार्बोनिल है सो दिस शुड बी मोर एसिडिक राइट, तो ये वाला प्रोटोन आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, सिमिलरली इस वाले केस के अंदर ये वाला प्रोटोन ज्यादा एसिडिक है ये एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो हो क्या रहा है यहाँ पर आपका ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है इधर ये वाला प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन, इसका मेन रीजन ये है कि जो हम बेस इसके अंदर यूज कर रहे हैं मिथॉक्साइड बेस मिथॉक्साइड इथॉक्साइड, और इस केस में हमेशा याद रखना दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है, एक बार आपका साइक्लोप्रोपेनोन इंटरमीडिएट बन गया देन इट इज इनरिवर्सिबल, ठीक है, लेकिन आपका क्या होता है कि This is what happens. Methoxide ने एक बार इस पर अटैक किया इट विल गिव यू दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट और ये इनोल आपका इस तरह से स्टेबिलाइज होता है, ठीक है, एक बार आपका ये बना देन द रिएक्शन कैन नॉट गो फॉरवर्ड, तो इसका मतलब क्या क्योंकि इक्विलिब्रियम में ही रहता है सो इट विल गिव यू द स्टार्टिंग मटेरियल अगेन, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपका प्रोटोन इधर से एब्स्ट्रैक्ट होता है तो रिएक्शन इमीडिएटली गिव्स यू दिस साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट एंड द डिजायर्ड प्रोडक्ट विच इज इनरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है, तो ये भी हो रहा है रिएक्शन के अंदर बिकॉज बट सिंस दिस पर्टिकुलर स्टेप इज इरिवर्सिबल दैट इज वाई द रिएक्शन इज गिविंग दिस साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट विच इन टर्न इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एस्टर, ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका क्या है कि अब आपने जैसे साइक्लोहेक्सीनोन को ब्रोमीन एसिटिक एसिड से ट्रीट किया अल्फा ब्रोमिनेशन हुआ सोडियम मिथॉक्साइड से ट्रीट हुआ सो व्हाट डू यू जनरेट
ये वाला प्रोटोन ज्यादा एसिडिक है, ये प्रोटोन एसिडिक है, ऑफ कोर्स ये प्रोटोन एसिडिक है और ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा होगा, लेकिन रिएक्शन क्या है कि इररिवर्सिबल है, तो इट इज गिविंग यू द स्टार्टिंग मटेरियल। सो लेकिन जैसे ही आपका ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है या नेगेटिव बन रहा है, वो इमीडिएटली यहां अटैक करके साइक्लोहेक्सीनोन बना रहा है जो कि आपको रिंग कॉन्ट्रैक्टेड एस्टर प्रोडक्ट दे रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। सो दिस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड फेवर्सकी रीअरेंजमेंट। सिमिलरली यू हैव सच टाइप ऑफ स्पीशीज, अगेन ओमिथोक्साइड ने अटैक किया, ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव जनरेटेड। इसके बाद ये है ओएमए ने अटैक किया। अब आपका दो सवाल है यहां पे, ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ओ माइनस जो वापस है वो इधर भी ओपन हो सकता है, इधर भी ओपन हो सकता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबलाइज होगा, अगर ये यहां पर ओपन हो के इधर ओपन हुआ तो नेगेटिव चार्ज आपका यहां आएगा दो एल्काइल ग्रुप पे, तो जिसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, ठीक है, और अगर वो यहां ओपन हुआ तो दैट विल बी मोर स्टेबल देन दिस पर्टिकुलर, सो दैट इज वाई द रिंग ओपन दिस साइड टू गिव यू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, किस तरफ ओपन होगा डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दैट आर अटैच, ठीक है। उसके अलावा ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन शायद नेट होया गेट में, आई थिंक एक आध बार पूछा जा चुका है। सपोज कि आपने ये वाला कार्बोनिल और ये वाला कार्बोनिल कार्बन और ये वाला कार्बन को आपने क्या किया, 50% कार्बन 14 से ड्यूटरेट कर दिया जानने के लिए कि कौन सा कार्बन किधर जा पहुंचता है, ठीक है। एंड व्हेन दे ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड व्हाट दे फाउंड दैट जब आपका ये जनरेट होगा इट विल अटैक, दिस विल हैपन डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ बॉन्ड्स दैट आर ब्रेकिंग, दीज आर द टू प्रोडक्ट्स दैट विल यू विल एंड अप गेटिंग एंड दिस इज वेयर द लेबलिंग विल हैपन। ये एग्जांपल याद रखना बहुत आसान है, मैकेनिज्म ड्रॉ कर लो। उसके अलावा यू हैव दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इन विच यू नो यू हैव दिस साइक्लोहेक्सीनोन कंपाउंड अगेन अंडरगोइंग द फेवरस्की रीअरेंजमेंट, जिसके अंदर आपका क्या हो रहा है कि यहां से आपका कार्बेनियन जनरेट हो रहा है, इट इज अटैकिंग टू फॉर्म द साइक्लोहेक्सीनोन डेरिवेटिव, इट इज गिविंग राइज टू द डिजायर्ड एस्टेरिक कंपाउंड, यहाँ पे भी एस्टेरिक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। सो वन ऑफ द अदर वेज टू राइट दिस साइक्लिक कंपाउंड इज दिस वे, आपको इस तरह से भी एग्जाम में दिया पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसे भी यहाँ पे ड्रॉ करके लिख दिया, ठीक है। सपोज आपका क्या है कि अल्फा अल्फा डायहेलोकीटोन है, जैसे कि यहां पर आपका क्या है कि अल्फा अल्फा डायहेलोकीटोन या फिर आपका अल्फा अल्फा डैश डायहेलो, मतलब आपका एक यहाँ पे ब्रोमो एक यहाँ पे ब्रोमो, अगर हम उनको ट्रीट करेंगे बेस से तो वी विल एंड अप गेटिंग दी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या एस्टर। ये चीज याद रखना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर एस्टर हमको मिलेगा और प्रोडक्ट हमेशा सिस होगा, ये याद रखना। रिएक्शन ये क्या है कि हाईली स्टीरियो सिलेक्टिव है, जैसे कि अब आपका क्या कि सोडियम मिथॉक्साइड ने यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव जनरेट हुआ, इधर अटैक किया ब्रोमो निकल गया, एल्कोक्साइड ने अटैक किया आपको ये बना, ठीक है। अब जब O- वापस आ रहा है तो आपको यहां पे कि क्योंकि ब्रोमो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो जैसे ही O- वो हुआ ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ब्रोमो निकल गया, तो जो आपको ओलिफिन बन रहा है हमेशा याद रखो इसमें हमेशा सिस प्रोडक्ट मिलेगा। और अल्फा अल्फा डायहेलोकीटोन या अल्फा अल्फा डैश, अल्फा अल्फा डैश का मतलब क्या है कि अगर आप एक ब्रोमो यहां से हटा के यहां पे ब्रोमो लगा दो दैट इज गोइंग टू बी अल्फा अल्फा डायहेलो, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और एस्टर, जस्ट कीप दैट पर्टिकुलर एग्जांपल इन माइंड। जैसे कि यहां पर अल्फा अल्फा डैश इस केस के अंदर भी वही हो रहा है, ये निकल गया तो दिस इज एन ओ नेगेटिव, इसने अटैक किया दिस इज फॉर्म्ड दिस इज व्हाट इट विल फॉर्म, इसने अटैक किया दिस हैज कम बैक, ये इधर मूव हुआ इधर अगेन, इस केस में आपको क्या मिला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर और स्टीरियोकेमिस्ट्री का सिस है, कीप दैट इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके अलावा इफ यू हैव दिस अल्फा बीटा इपॉक्सी कीटोन्स, ठीक है, इपॉक्सी कीटोन्स है, ठीक है, दे अंडर को रीअरेंजमेंट, अब ये रीअरेंज हो जाते हैं टू गिव यू बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर। जैसे कि आपका क्या ओ मिथॉक्साइड ने एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ओ नेगेटिव यहां पर आया, अब इसने अटैक करके इपॉक्साइड को ओपन कर दिया, दिस इज द रीअरेंज प्रोडक्ट दैट यू हैव गॉट। अब उसके बाद ओ मिथॉक्साइड ने अटैक करके दिस इज व्हाट हैज फॉर्म्ड, एंड जब इस तरह के कंपाउंड को आप क्वेंच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सिक कार्बोलिक कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और मुझे लगता है इस बार के नेट के अंदर दिस कैन बी आस्क्ड। ओके, आई थिंक मैकेनिज्म पूरा लिखा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ आ रहा होगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वार्सी फेवरस्की और सेमी बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। अगर आपका अल्फा हेलो कीटोन्स डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन, सपोज जैसे कि वहां पर तो आपका हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो द रिएक्शन अंडरगोज काइंड ऑफ अ क्वार्सी फेवरस्की रीअरेंजमेंट, जैसे कि दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल
हियर वी डू नॉट हैव एन अल्फा प्रोटोन, यहाँ पर आपका मिथाइल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. सो व्हाट हैपेंस, द बेस अटैक्स दिस ओ माइनस, जैसे ही ओ माइनस बनता है और वो वापस जाता है चार्ज, तो देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप, क्योंकि अल्फा पोजिशन पे यू हैव दिस अल्फा क्लोरो विच इज अ गुड लीविंग ग्रुप, सो इट जस्ट लीव्स टू गिव यू द डिजायर्ड प्रोडक्ट. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विद अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम. एंड सच रीअरेंजमेंट्स आर कॉल्ड क्वार्सी फेवरस्की रीअरेंजमेंट और सेमी बेंजिलिक रीअरेंजमेंट. ठीक है, जैसे यहां पे भी यही आपका अटैक किया, ओ माइनस वापस आया, रिंग कॉन्ट्रैक्टेड एसिड बना. ठीक है, और आपकी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि यह नेगेटिव बनता और ऐसे अटैक करता, बट दिस डज नॉट फॉर्म. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. यहां पर ओ माइनस इसके ऊपर अटैक किया तो गिव यू द रिजल्ट. सो ये जो पे मैं एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. सो फॉर एग्जाम्पल, ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो नेट 2015 में पूछा गया था, ये वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बेनियन. ठीक है, अब जब ये कार्बेनियन यहाँ पे अटैक कर रहा है, सो बट यू हैव दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट, सो दिस इंटरमीडिएट व्हेन यू हैव दिस ओ नेगेटिव चार्ज, ये वापस आ रहा है, इट इज गिविंग राइज टू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड. और ये जून 2017 का क्वेश्चन है. सो व्हेन यू ट्रीट बेंजोफिनोन एंड इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है ये वाला. यहाँ पर अपने जनरेट किया कार्बेनियन, ये अटैक किया ओ माइनस ने यहाँ अटैक करके, सो इट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स 3. ये एग्जांपल आपका हो गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द लास्ट एग्जांपल विच इज लास्ट मेन रिएक्शन विच इज द रैमबर्ग बैकलोन रीअरेंजमेंट. सो इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव दिस अल्फा हेलोसल्फोन्स, दे अंडरगो सिमिलर टाइप ऑफ अ रीअरेंजमेंट. ओके, so what do you generate in the presence of the base, this particular proton is very acidic, so what do you generate is a carbanion here which attacks this site to give you such type of a cyclic intermediate which undergoes jisme se kya hota hai SO2 gas aapki nikal jati hai to give you the desired olefin. So these are the various examples that have been reported. इस केस के अंदर जैसे कि आप यहाँ जनरेट करके इधर कर रहे हैं, सो व्हाट यू जनरेट डबल बॉन्ड हियर, सो वंस यू जनरेट अ कार्बन इन हियर, सो व्हाट यू फॉर्म इज अ डबल बॉन्ड हियर. ठीक है, सो दिस इन टर्न कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ कॉरस्पॉन्डिंग सल्फर कंपाउंड्स. ठीक है,